हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्यूनिशियन क्रोशे स्ट्रॉबेरी पर्स बनाना सिखाऊंगी। ये छोटा सा पर्स दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3.5 mm का ट्यूनिशियन क्रोशे हुक लिया है। पहले एक स्लिप नॉट लगाऊंगी। स्लिप नॉट लगाने के बाद 31 चेन करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 31 चेन हो जाने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप करना है और फिर नेक्स्ट चेन में से हुक को डाल के उल को एक बार खींचना है। इसी तरह से हर एक चेन में हुक को डाल के एक एक बार करके उल को खींचना है। ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं दिखा रही हूँ इसके बाद क्या करना होगा। रो कंप्लीट हो जाने के बाद हुक पे टोटल 31 लूप्स रहेगा। अब इस तरह से पहले एक लूप को गिराना होगा, उसके बाद दो दो करके लूप्स को गिराते हुए जाएंगे। एंड में जाके जब हुक पे दो लूप्स रहेगा तब रुक जाना है और रेड कलर की उल लेके उसको इस तरह से पकड़ के हुक से खींचना है और फिर वन चेन देना है। ग्रीन उल को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। तो ये इस तरह से बन रहा है। अब हुक पे एक रेड लूप है, इसके नीचे जो ग्रीन लूप है उसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट लूप में से हुक को डाल के उल को एक बार खींच लेंगे। फिर से नेक्स्ट लूप में से हुक को डाल के उल को एक बार खींच लेंगे। तो अब हुक पे है 1, 2, 3 लूप्स। अब इसके बाद हुक पे उल को एक बार लपेटना है और नेक्स्ट लूप में से इस तरह से हुक को डाल के उल को एक बार खींचना है और एक ट्यूनिशियन डबल क्रोशे देना है। फिर से सेम लूप पे देंगे एक और ट्यूनिशियन डबल क्रोशे। इसी तरह से एक ही लूप पे टोटल 5 ट्यूनिशियन डबल क्रोशे देना है। ये हो गया 3 और फिर ये 4 और 5। तो फिर पहले हुआ 1, 2, 3 और फिर एक ही लूप पे 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद ये सब फिर से रिपीट होगा। नेक्स्ट लूप पे 1, नेक्स्ट लूप पे फिर से 1, उसके बाद नेक्स्ट लूप पे 1। तो यहाँ पर हुआ 1, 2, 3। अब नेक्स्ट लूप पे होगा टोटल 5 ट्यूनिशियन डबल क्रोशे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए एक ही लूप पे 5 ट्यूनिशियन डबल क्रोशे हुआ है। इसके बाद फिर से होगा 1, 2, 3। तो फिर इसी तरह से रिपीट करते हुए एंड तक जाना है। यहाँ पर एक ही लूप पे 1, 2, 3, 4, 5 ट्यूनिशियन डबल क्रोशे हुआ है। उसके बाद एंड में 1, 2 और एकदम साइड पे जो लूप्स है उस दो लूप्स के नीचे से हुक को लेके इस तरह से उल को एक बार
खींच लेना है। तो हो गया 3। अब पहले एक लूप को गिराएंगे, उसके बाद दो दो करके लूप्स को गिराते हुए जाएंगे। इसी तरह से करते हुए एंड तक जाएंगे। मैं एंड में जाके दिखा रही हूँ उसके बाद क्या करना होगा। एंड में जब दो लूप रह जाएगा तब हुक से ग्रीन उल को खींच लेना है। तो ये देखिए, ये ऐसा बना है। अब इस फर्स्ट लूप को स्किप करके सेकंड लूप में से हुक को डालना है और उल को खींचना है। फिर से नेक्स्ट लूप में से हुक को डाल के उल को खींचना है। हुक पे टोटल 3 लूप्स हो जाने के बाद नेक्स्ट लूप में से हुक को इस तरह से डाल के उल को एक बार खींचना है। फिर से नेक्स्ट लूप में से इस तरह से हुक को डाल के उल को फिर से खींचना है। इसी तरह से टोटल 5 टाइम्स उल को हुक से खींचना होगा। तो ये देखिए, पहले हुआ 1 2 3, देन 1 2 3 4 5। अब इन 5 लूप्स को एक बार में गिराना है और 1 चेन। यही सब फिर से रिपीट होगा। 1 2 3, 1 2 3 4 5। इन 5 लूप्स को एक बार में गिराएंगे और 1 चेन। तो ये देखिए, स्ट्रॉबेरीज बनना शुरू हो गया है। इसी तरह से रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। मैं एंड पे जाके दिखा रही हूँ उसके बाद क्या करना होगा। एंड में आके 1 2 और लास्ट में जो लूप है उन दो लूप्स के नीचे से 3। इसी तरह से ये हो गया। अब पहले एक लूप को गिराएंगे, उसके बाद दो दो करके लूप्स को गिराते हुए जाएंगे। इसी तरह से करते हुए एंड तक जाएंगे। एंड में जाके जब हुक पे दो लूप्स रहेगा तब रेड उल को हुक पे लपेट के खींच लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसा बन रहा है। अब फर्स्ट लूप को स्किप करना है, फिर सेकंड लूप पे हुक को डाल के उल को एक बार खींचना है। थर्ड लूप पे हुक को डाल के उल को खींचना है। स्ट्रॉबेरी के टॉप पर जो होल है उसमें से हुक को डाल के उल को खींचना है और नेक्स्ट लूप में से हुक को डाल के उल को खींचना है। 1 2 3 4 5, हुक पे 5 लूप्स रहेगा। अब नेक्स्ट लूप पे देंगे 5 यूनिशियन डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5। एक लूप पे 5 ट्यूनिशियन डबल क्रोशे हो जाने के बाद नेक्स्ट लूप पे 1 स्ट्रॉबेरी की टॉप पर जो होल है वहां पर 1 और नेक्स्ट लूप पे 1। फिर नेक्स्ट लूप पे करेंगे 5 ट्यूनिशियन डबल क्रोशे। 1
टू थ्री फोर फाइव। फिर नेक्स्ट लूप पे वन स्ट्रॉबेरी के टॉप होल पे वन और नेक्स्ट लूप पे वन। इसी तरह से ये रो रिपीट करते जाना है। रो के एंड तक जाने के बाद नेक्स्ट लूप पे वन स्ट्रॉबेरी के टॉप होल पे वन, फिर नेक्स्ट लूप पे वन, फिर से नेक्स्ट लूप पे वन और लास्ट जो लूप है वहाँ पर दो लूप्स के नीचे से हुक को डाल के वन, यानी एंड में फाइव लूप्स पे ऊल को एक एक बार करके खींचना होगा। अब पहले एक लूप को गिराएंगे, उसके बाद से दो दो करके लूप को गिराते हुए जाना है। इस तरह से लूप्स को गिराते हुए जाएंगे, एंड तक जाके मैं दिखा रही हूँ उसके बाद क्या करना होगा। एंड में जाके लास्ट दो लूप्स को ग्रीन ऊल से गिरा देंगे, ये ऐसा बना है। अब फर्स्ट लूप को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट लूप पे हुक को डाल के वन, फिर नेक्स्ट लूप पे टू, नेक्स्ट लूप पे थ्री और नेक्स्ट लूप पे फोर, यानी टोटल फाइव ग्रीन लूप्स हुक पे रहेगा। अब नेक्स्ट इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम्स ऊल को खींचना है और फिर फाइव लूप्स को गिरा देना है। उसके बाद वन चेन, नेक्स्ट वन टू थ्री, फिर हुक को इस तरह से डाल के वन टू थ्री फोर फाइव और फाइव लूप्स को गिरा देना है, फिर वन चेन। अब इन तीन लूप्स पे फिर से ऊल को तीन बार खींचना है, वन टू थ्री और फिर पांच बार पहले की तरह यहाँ पर से हुक को डाल के ऊल को खींचना है। इसी तरह से ये रिपीट करते हुए एंड तक जाना है। एंड में वन टू थ्री फोर फाइव, तो फिर ये रो कंप्लीट हो गया। अब पहले एक लूप को गिराएंगे, उसके बाद से दो दो करके लूप्स को गिराते हुए जाना है। इस तरह से लूप्स को गिराते हुए जाएंगे, यही तरीका रिपीट करते हुए इसे बनाना होगा। ये हो गया है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन रो बना है। ऐसा मैंने दो बना लिया है, अब ये दो को जोड़ना है। पहले दोनों सिरे को पकड़ना है और फिर रेड और ग्रीन को इस तरह से मिलाकर सिलना है। शुरुआत में इस तरह से सिल के इसे लॉक कर देना है। इसके बाद से ऐसा करके सिलते जाना है। हम लोग बंगाली में इसे बोखिया स्टिच कहते हैं। आप लोग अपने लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं ये कमेंट पे लिख के बताना।
तो इस तरह से बौखिया स्टिच देते हुए इस साइड को जोड़ेंगे। ये साइड जुड़ गया है। अब नीचे की तरफ को जोड़ने के लिए हम लोग पहले इसे ऐसे पकड़ेंगे, एक स्ट्रॉबेरी के ऊपर दूसरे को रख के ऐसे ध्यान से पकड़ेंगे और उसके बाद नीचे की पार्ट्स को इस तरह से सील के जोड़ देंगे। ये हो गया है। ये करने के बाद इस साइड को फिर से बौखिया स्टिच से जोड़ देंगे। अब चारों तरफ पे जो ऊल निकला हुआ है उन सब पे नॉट लगा लेंगे। इसे सीधा कर लेंगे। अब इस पे चेन लगाना है। मेरे पास छोटे साइज का चेन नहीं था तो मैंने एक बड़ा वाला चेन जो मेरे पास है उसे ले लिया। पहले यहाँ से नीडल को उठाना है, उसके बाद जहाँ से नीडल को उठाया वहीं पर से फिर से नीडल को डाल के थोड़ा आगे ले आके ऊल को इस तरह से लपेट के सुई को फिर से उठा लेना है। इसे टाइट कर लेंगे। अगेन जहाँ से नीडल को उठाया था वहीं पर फिर से नीडल को डाल के इसे इस तरह से पकड़ के नीडल को थोड़ा आगे ले जाके ऊपर उठाना है। फिर से ऊल को इस तरह से नीडल पे लपेट के नीडल को खींच लेंगे। इसी तरह से फिर से जहाँ से नीडल को निकाला था वहीं पर से नीडल को फिर से डाल के थोड़ा आगे ले जाके ऊल को लपेट के नीडल को खींच लेंगे। इसे कहते हैं चेन स्टिच। तो फिर इसी तरह से चेन स्टिच देते हुए चेन को जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे जोड़ते हुए जाना है। साइड के जॉइंट तक आ जाने के बाद एक्स्ट्रा चेन को काट लेंगे। अब इस चेन को अंदर रख के ऐसे इस तरह से इसे रख के सिलना है। नीडल को यहाँ से डाल के चेन के इस साइड से बाहर निकल लेना है।
और पर्स के इस साइड को इस तरह से घुमा के यहाँ से नीडल को निकालना है और चेन स्टिच देना है। ये हो गया। अब चेन को खोल के पर्स के इस साइड को इस तरह से घुमा के ऐसे पकड़ के ये साइड चेन स्टिच से जोड़ देंगे। ऐसा करके जोड़ना है। पर्स तैयार हो गया है। इसे तीनों तरफ से सील दिया है और ऊपर की तरफ चेन लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।